country was dismembered, the unity was sundered, and a yawning gap was opened between you and us. In a sense, it may now be too late to cry over what has happened already, but it is never too late to repent, to say Toba from the depths of our hearts. As I said earlier, the people of Pakistan respect your decision. They and the government of Pakistan recognize and respect the sovereignty and independence of Bangladesh. More than that, we wish you rapid progress and prosperity. सकूते ढाका को 40 बरस होने को आए, लेकिन अभी तक ये पता ना चल सका कि इस सानहे का जिम्मेदार कौन था। हकायक का पता चलाने के लिए कोई कोशिश ना की गई। अगर कहीं कोशिश हुई भी तो इसे दबा दिया गया। अभी तक इस बात का तायुन ही नहीं हो सका कि इस वारदात का असल जिम्मेदार कौन था। एक शख्स जिम्मेदार होता है कि जिसके हाथ में असल पावर होती है, वो तो फिर आप अय्यूब खान को कह सकते हैं, आप इसको दोनों कह सकते हैं, पॉलिटिकली और मिलिट्री बैकग्राउंड। क्योंकि जब फौज इकतदार में आती है या कोई फौजी इकतदार में आता है, जनरल वो जो फैसले करता है वो तो यही कहता है कि ये पॉलिटिकल फैसले हैं। कभी वो ये तो नहीं कहता, या उनके मिनिस्टर्स होते हैं सारे, वो हमेशा कहते हैं ये डेमोक्रेसी, अय्यूब खान ने भी तो डेमोक्रेसी दी थी। तो आप उसको पॉलिटिकल कम मिलिट्री बैकग्राउंड, लेकिन बेसिकली ये जो थी ये डिज़ास्टर, ये पार हंग्री पॉलिटिशियंस और पार हंग्री जनरल्स की तरफ से था। कभी फौजी क़यादत को इसका जिम्मेदार ठहराया जाता है, तो कभी सियासी क़यादत को, और कभी सिविल और फौजी ब्यूरोक्रेसी को। तीन क़ुव्वतों का आपस में टकराव था, मुजीब, भुट्टो और याहिया। तीनों को इक्तदार चाहिए था, और वो भी बिला शिरकत गैर। मैं समझता हूँ कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। वो बचा सकता था, ही वाज़ अ पॉलिटिकल लीडर। उसको कौम, वेस्ट पाकिस्तान ने एक अनडिस्प्यूटेड लीडर बना के भेजा था, और वो जैसे मशरक़ बाद इन दोनों को मिलना चाहिए था, और मिलकर ये अगर बैठ जाते तो सिर्फ अगर इक्तदार का शौक भू सवार न होता, तो सिर्फ अगर पाकिस्तान की बका, सालमियत, अजमत मलूज खातर होती तो पाकिस्तान बच जाता। पाकिस्तान में इलेक्शन हुए तो वो भी आज़ादी के 23 साल बाद। इलेक्शन के बाद मशरकी पाकिस्तान में नुमाइंदा हुकूमत ना बन सकी। कभी मुजीबुर रहमान के 6 नुकात आड़े आए, तो कभी मगरबी पाकिस्तान में होने वाले फैसलों से ताखीर हुई। मेरा अपना ख्याल ये है, तीन आदमी रिस्पॉन्सिबल है जी, इन दैट ऑर्डर। टॉप ऑफ द लिस्ट याया खान जी, क्योंकि ये ड्राइविंग सीट में था, ये ड्राइविंग सीट में था जी। गाड़ी को लेफ्ट की तरफ ले जाना है या राइट की तरफ ले जाना था, ये याया खान का फैसला था जी। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी याया खान की है। दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की है जी। ये इलेक्शन 70 के बाद जब शेख मुजीबुर रहमान इमर्ज एज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन पाकिस्तान, और उसको डिक्लेयर कर दिया था कि यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, डेजिग्नेट याया खान ने किया था। उसके बाद इन्होंने वो जो डेट फिक्स की गई थी नेशनल असम्बली की, वो डेट अंडर मिस्टर भुट्टोज प्रेशर वो डेट इन्होंने चेंज कर दी यूनिलैटरली विदाउट कंसल्टिंग शेख मुजीबुर रहमान जी। उस चूँकि जब इन्होंने वो डेट फिक्स चेंज कर दी, बंगाली समझ गया कि इनका गेम तो कुछ और है। इसी ये तो इक्तदार नहीं छोड़ना चाहते हैं, ये तो इलेक्शन रिजल्ट को ऑनर करने के लिए तैयार नहीं है जी। इसी में इसलिए मैं कहता हूँ जी, टॉप ऑफ द लिस्ट याया खान, दूसरा जो है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन 70 जी, और लीडर ऑफ अपोजिशन के रोल प्ले करने के लिए तैयार नहीं था भुट्टो साहब जी। ऐसे सिचुएशन में उन्होंने कहा मुल्क तोड़ टूटता है तो टूटने दो। नंबर तीन शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान का ये था कि इलेक्शन के रिजल्ट से पहले उसका एटीट्यूड कुछ और था, ज़्यादा वो कॉम्प्रोमाइजिंग मूड में था।
जब इलेक्शन आ गया और उसको वो थंडरिंग मेजॉरिटी मिल गई और मैंडेट मिल गया ईस्ट पाकिस्तान का, द लुक इन शेख साहब आईज चेंज. अब वो कह रहा था अनडिवाइडेड पाकिस्तान की बातें नहीं कर रहा था, अब वो कन्फेडरेशन की बातें करने लग गया जी, कन्फेडरेशन की बातें करने लग गया. मशरकी पाकिस्तान में आबादी की अक्सरियत थी, लेकिन आइन में इन्हें मसावी कर दिया गया, जिससे इनकी हक तल्फी हुई. भुट्टो और मुजीब के आइनी समझौते पर पहुंचने ना पहुंचने से कोई बात नहीं थी, क्योंकि अक्सरीती पार्टी तो वो थी. 313 सीटों में से 169 सीटें जो थीं वो ईस्ट पाकिस्तान की थी, हमारी 144 थी वेस्ट पाकिस्तान, वन मैन वन वोट था ना, तो वो अक्सरियत 169 या 168 कह लें एक, क्योंकि वो राजा त्रिदेव ले 167 बल्कि कह लें 167, एक नूरुल अमीन भी ले गया था, तो उसकी अक्सरियत थी. तो भुट्टो का तो कोई मसला ही नहीं था, वो तो अपोजिशन में बैठता अगर जनरल जिया खान चाहता. जनरल जिया खान से जब सकूते डाका के बाद इंटरव्यू किया और मैंने सबसे पहले उससे इंटरव्यू किया, तो वो कहने लगा कि मैंने पूछा था कि मशहूर है कि आप भुट्टो के मशवरे पर चलते थे, कहता है मैं तो उसे टाइम ही नहीं देता था. वो तो गिला करता था कि ये मुझे जब टाइम देता है तो 6:30 बजे का देता है, ये कोई टाइम है? 8:30, 9 बजे का दिया करे, उस वक्त मैं इसके साथ विस्की बैठ के पिया करूं. 1970 के इलेक्शन के बाद होना तो ये चाहिए था कि मुल्क के दोनों हिस्सों में अवाम की नुमाइंदा हुकूमत बनाई जाती, लेकिन ऐसा ना किया गया. अगर जनरल यहिया खान चाहते तो मशरकी पाकिस्तान मुजीब और मगरबी पाकिस्तान में भुट्टो को इक्तदार सौंप कर मामलात को खुश सलूबी से हल कर सकते थे. वन यूनिट के कयाम, सरकारी जुबान उर्दू, फौज में खास तौर पर नेवी में मशरकी पाकिस्तान का कोटा ना रखना, मगरबी पाकिस्तान की सियासी और फौजी क्यादत के एहसास बरतरी ने मशरकी पाकिस्तान के अवाम के दिलों में नफरत के बीज बोए. उनकी जो एहसास मारूमी और इकनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन की बातें हैं वो थोड़ी सी मुबालगा आमेज थी, क्योंकि वो पॉलिटिकल लीडरशिप ने बाद में की. मेरा ख्याल है कि 60 तक पहले 10 सालों में ये ज़रूर हुआ कि मगरबी पाकिस्तान में चूँकि प्राइवेट सेक्टर बहुत एक्टिव था और डायनामिक था, तो यहाँ तरक्की 60s में बहुत अच्छी हुई. लेकिन गवर्नमेंट की सतह पर, चूँकि मैं आंदोलन प्लानिंग कमीशन में था, तो बड़ी सिंसियर कोशिश की गई कि डेवलपमेंट बजट का ज़्यादा हिस्सा उनको दिया जाए, और अटानमी भी दी गई, PIDC डिवाइड किया, रेलवे को अलग किया, बापडा को अलग किया, काफ़ी यानी इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हुई. ये नफरत इस हद तक बढ़ी कि जंग की नौबत आ गई और इस जंग में बैरूनी अनासिर को खुलकर खेलने का मौका मिल गया. फर्स्ट दिसंबर से पहले ईस्ट पाकिस्तान में इंडियन आर्मी जो थी वो जसोर के इलाके में घुस आई थी, और लड़ाई जो था वो इन ऑल अर्नेस्ट खैर थ्रू आउट 71 मार्च से लेके नवंबर तक वहाँ पर सिविल वॉर तो थी, लेकिन फर्स्ट मैंने 21 नवंबर के बाद इंडियन आर्मी इन स्ट्रेंथ ईस्ट पाकिस्तान में आ चुकी थी, और जसोर की एरिया जो थी उसको वहाँ पर काफ़ी ठीक ठाक जंग वहाँ जारी थी. वहाँ पर जब लड़ाई शुरू हुई तो हमारी जो वहाँ पर जो स्ट्रेटजी थी वही गलत थी. हमारी स्ट्रेटजी थी टू प्रोटेक्ट ऑल एरियाज. हमारे पास वहाँ पर ट्रुप्स इतने नहीं थे, 3.5 लाइटली इक्विप्ड डिविजन्स थे, और 3.5 लाइटली इक्विप्ड डिविजन से आप पूरी एरिया को कवर नहीं कर सकते. तो हमारी जो थी कि कोई एरिया चप्पा चप्पा नहीं छोड़ना है, वो गलत थी. अगर आपने इंटीरियर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर फाइट करना है, वॉरफेयर की नॉर्मल होती है, तो आपको चाहिए कि ट्रुप्स कॉन्सेंट्रेटेड रखने और नोडल पॉइंट्स को डिफेंड करने. लेकिन उसके बरक्स हमारी हमने स्ट्रेच आउट कर दिया, और स्ट्रेच आउट करने की वजह से हमारे जगह जगह पर वो, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ में वो जब आते थे वो उनकी सुपरियॉरिटी होती थी 10 times, 12 times to 1, तो वो आप उसको डिफेंड नहीं कर सकते थे. यूं एक ऐसी सूरत पैदा कर दी गई कि सकूते ढाका के जिम्मेदारों का तायुन करना मुश्किल हो गया, और आज तक ये मौमा हल ना हो सका कि इसका असल जिम्मेदार कौन है.
पाकिस्तान के मशरकी सूबे में अवाम इस एहसास कमतरी का शिकार थे कि इन्हें इनके हकूक नहीं दिए जा रहे। मशरकी सूबे में डेवलपमेंट ना थी। पाक फिजाइया और नेवी में मशरकी पाकिस्तान की नुमाइंदगी ना थी। हमने ये नहीं देखा कि अक्सरियत आबादी जो है वो उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तान और मौजूदा बांग्लादेश में थी। उनके जज्बात क्या है, ख्यालात क्या हैं, वो इस कौमी धारा में क्या क्या रोल अदा कर सकते हैं। आप अगर उस दौर पर नज़र लगाएं तो आप देखेंगे कि जो मेजर डेवलपमेंट थी वो मग़रबी पाकिस्तान में थी और कलील हिस्सा जो था वो डेवलपमेंट का वहाँ सर्फ होता था। यही उनकी फोर्सेस में भी नुमाइंदगी इसी तरह ही थी। यहाँ तक कि एक बंगाली बच्चा, वो मेरा ख्याल है मछली के बच्चे की तरह तैरना जानता है, क्योंकि वो अगर मछली का बच्चा पैदा होता है पानी में तो ये भी चारों तरफ इसके पानी होता है जहाँ ये बच्चा पैदा होता है, और बचपन से ही बहुत अच्छा तैराक होता है। कम अज़ कम नेवी में ही उनकी अक्सरियत होती, लेकिन ये सूरत हाल नहीं थी। उनका जो इकनॉमिकल जो डिप्राइवेशन था वो भी एक अजीब तर्ज का था। उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी बड़ी महदूद थी, लेकिन वो भी मुहैया नहीं कर सके। वो ऐसा ही था, उनके लिए ऐसे ही लगा उनको कि जैसे एक आका गया तो दूसरा आका आ गया, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन बढ़ती गई। मशरकी पाकिस्तान के अवाम में ये एहसास पैदा होने लगा कि मशरकी सूबा मगरबी पाकिस्तान की कॉलोनी है, क्योंकि यहाँ मगरबी पाकिस्तान से बुलाई गई फौज तैनात है। समझौते का तो टाइम गुजर गया जब उन्होंने फौजी एक्शन कर लिया। अवामी लीग वाले इंडिया में भाग गए कुछ, वो मौलाना बशानी तो अवामी लीग में नहीं थे लेकिन वो भी भाग गए, और भी बहुत से भाग गए। फिर उन्होंने माफियाँ दी, फिर उन्होंने अपने इलेक्शन कराए, फिर उनमें अपने आदमी जिस तरह वो होता है मसनूई सा काम किया। समझौता तो 25 मार्च 1971 से पहले पहले हो जाए। 65 की जंग हुई तो मशरकी पाकिस्तान ने देखा कि मगरबी पाकिस्तान इनका दिफा ना कर सका। इस वजह से इनमें अदम तहफ्फुज का एहसास पैदा हुआ। मशरकी पाकिस्तानियों के इस एहसास कमतरी और अदम तहफ्फुज के एहसास को कम करने की कोशिश नहीं की गई। मैं ढाके जाया करता था महीने में एक दफा। मेरा जी नहीं चाहता था कि मैं यहाँ वेस्ट पाकिस्तान में रहूं। मुझे इस बात का एहसास था कि ये ईस्ट पाकिस्तान हमारे हाथ से जा रहा है, इसलिए कोई चीज़ थी जो मुझे पुल कर रही थी कि मैं जाऊँ ईस्ट पाकिस्तान में रहूं। आखिरी दम तक मैं जाऊँ। और मैं फिर ढाके में नहीं रहता था। मैंने फौज वालों को कहा कि मुझे यार ले जाओ इंटीरियर में ले जाओ, इसी मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। एक दिन है ट्रूप ट्रेन था, वो जसोर जा रहा था जी एम्यूनिशन लेकर के। मैं भी साथ बैठा हुआ था, शाम का वक्त था जी ट्रूप ट्रेन में। मैंने जो बाहर देखा, पता है मैंने क्या देखा? पैडी फील्ड में एक बारिश आदमी, इतनी बड़ी उसकी गाड़ी थी, नमाज पढ़ रहा है। हमारी गाड़ी ट्रेन जा रही थी जी, वो नमाज पढ़ रहा था। मैंने दिल में कहा कि या अल्लाह ये देखो ये मेरा दुश्मन बन गया है, कितना ये मुझसे अच्छा मुसलमान है, इसी ये तो नमाज पढ़ रहा है, ये मेरा दुश्मन कैसे बन गया, ये चीज क्या हुआ, ये चीज कैसे इस मुसीबत में हम कैसे फंस गए जी कि ये मेरा दुश्मन बन गया, कौन हमें कौन जिम्मेवार है इसका, ये चीज ये तो मैं मशरकी पाकिस्तान के लोग जो थे वो पाकिस्तान को तोड़ना नहीं चाहते थे, बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहते थे, मगर कुछ लोग शेख साहब के गिर्द हार्ड लाइनर्स ये जो इंटेलेक्चुअल हैं ना जी डाका के, वो तोड़ उनको बहाना मिल गया तोड़ने के लिए। और हिंदुस्तान की पूरी सपोर्ट मुक्ति बहिनी को उन्होंने ट्रेन किया, ऑर्गेनाइज किया, फाइनेंस किया।
कहा जाता है कि अगर मशरकी पाकिस्तान के अवाम को 60-70% हकूक भी दे दिए जाते तो हालात संभल सकते थे। भारत में 20 जुबानों को सरकारी जुबान का दर्जा दिया गया, भारत नहीं टूटा। पाकिस्तान में उर्दू और बंगाली दोनों को सरकारी जुबान का दर्जा देने की तजवीज भी दी गई, मगर इस पर भी अमल न किया गया। इन्हीं चंद वजूहात की बिना पर ढाका का जवाल हुआ। मशरिकी पाकिस्तान के अवाम चाहते थे पाकिस्तान न टूटे, मगर हमें हमारे हकूक मिले। मशरिकी पाकिस्तान को उनके हकूक देने से मुल्क टूटने से बच सकता था, तो फिर सकूत की क्या वजह हुई? बेशक कहे लीडर हो या ना हो, मुंतखब हो या गैर मुंतखब हो, उसके कहने से थोड़ी ना टूट जाता। टूटा तो हमारी अपनी हरकतों से टूटा, तो इसलिए कि हमने अक्सरियत को, अवाम के फैसले को तस्लीम ना किया, और सिर्फ तस्लीम ना किया, फौजी एक्शन किया, फिर फौजी एक्शन, फिर उसके बाद तो फिर यही नतीजा निकला, फिर सरेंडर कर दिया। ऐसे मुआहदात हो सकते थे जिससे दोनों सूबों, मशरिकी और मगरबी पाकिस्तान की सियासी क्यादतों के माबैन हम आहंगी हो सकती थी। दोनों तरफ से कोशिशें भी हुई, मगर कामयाबी क्यों नहीं मिली? वली खान ने बाद में हमें बताया कि मैं गया उसके पास, शेख मुजीबुर रहमान के पास, और मैंने शेख साहब को कहा कि शेख साहब, इनके साथ आप बातचीत करें, कुछ कॉम्प्रोमाइज करें, कुछ लो और कुछ दो के बेसिस के ऊपर, ये आप मुल्क का सवाल है, जनो इसी वरना मुल्क बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। वली खान कहता है मुझे, कहता है कि मुझे उसने कहा, बोले शेख मुजीबुर रहमान ने कहा, वली खान फौज आ रही है, वो तो री एनफोर्समेंट मंगवा रहा है वेस्ट पाकिस्तान से, वो तो मिलिट्री एक्शन लेने वाला है, हमको पता है कि मिलिट्री एक्शन लेने वाला है, मुज़ाकरात की बात, ये तो कवर है, ये तो टाइम गेन करने के लिए है, ये वरना याया खान री एनफोर्समेंट मंगवा रहा है, री एनफोर्समेंट बिल्डअप कर रहा है, बिल्डअप कर रहा है, फोर्स बिल्डअप कर रहा है, तो उसके साथ फैसला करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता जी, उसका प्लान कुछ और है जी। सकूते ढाका के दो अहम किरदार शेख मुजीबुर रहमान और जुल्फिकार अली भुट्टो थे। मुजीबुर रहमान ने 6 नुकाती एजेंडा बनाया और फिर इस पर सख्ती से कायम रहा। इस 6 नुकाती एजेंडे को पाकिस्तान तोड़ने की साजिश करार दिया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो ने इन 6 नुकात की शदीद मुखालफत की। पॉलिटिकल एक्टिविटी की गैर मौजूदगी में और जमहूरी अमल के तकाजों को पूरा ना करके, जिस तरह पैरिटी के हवाले से, और एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट बना के मिलिट्री रजीम की, जिसमें कि ईस्ट पाकिस्तान के अवाम और लीडरान को एहसास नहीं था कि हम अपने अफेयर्स खुद मैनेज कर रहे हैं, हमने ऐसे हालात पैदा किए कि जिसमें बंगालियों में जो नफरत, महरूमी और एक तरह की डिस्क्रिमिनेशन का एहसास जो है वो मुस्तकिल रहा। एक वक्त ऐसा भी आया जब भुट्टो 2 नकात के अलावा 4 पर मुत्तफिक हो गए, लेकिन मुजीब और भुट्टो में समझौता फिर भी ना हुआ। Everything is collapse. There is no administration. The people are obeying my order, not their order. पाकिस्तान के दो हिस्से, मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान, मुख्तलिफ तहजीब व तमदन, सकाफत, जुबान और नजरिए के हामिल थे। लेकिन अगर मगरबी और मशरकी पाकिस्तान की सियासी क्यादत सोच विचार से काम लेती तो ऐसे मुआहदात हो सकते थे जिनसे हम आहंगी की राह हमवार हो सकती थी। इस सारी सूरत हाल में जनरल याहिया का किरदार खामोश तमाशाई से ज्यादा कुछ ना था। मैं गया मिलने इसको याहिया, मैं खुद इतना बोलता, इमोशनली इतना वर्कड अप था, इतना चार्ज था कि ये क्या हो गया हमारे साथ। वो अकेला वो बैठा हुआ था बरामदे में, ऐसी कुर्सियाँ थी कैन की, इसके ऊपर बैठा हुआ था। मैंने कहा जी ये ईस्ट पाकिस्तान गया,
ऐसे ही चला गया, आधा मुल्क चला गया। और अब जो है यहाँ पर, अब उनके साथ हम कहेंगे अब वो हिंदुस्तानी कहते हैं कि वो करो सीज फायर करो, तो आधा मुल्क हमारा चला गया है, अब सीज फायर करने की बात कर रहे हैं ये चीज़ें। मैंने कहा जी तो लड़ाई, मैं भी बड़ा फर्क चला, मैंने कहा जी लड़ाई जारी रखनी चाहिए, वो ये नहीं है ना जी, क्योंकि का हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना लाहौर इम्पोर्टेंट है, या जितना पेशावर इम्पोर्टेंट है, या जितना कराची इम्पोर्टेंट है, तो लड़ाई कैसे एकदम बंद हो जाएगी, लोग हमारे ट्रेंड नहीं करेंगे। तो उसने वही जवाब दिया जो मैंने आपको पहले बताया जी, छोड़ो काले बंगालियों की खातिर हम वेस्ट पाकिस्तान से बनता है। लोगों को बहुत अच्छा सा नतीजा जैसा उसका इजहार लोगों ने किया। दया खान का जो मकान था पेशावर में उसको जला दिया। 1971 की सियासी क़यादत का मानना है कि मशरकी पाकिस्तान के अवाम की सोच आर्मी एक्शन के बाद बदली। सियासतदान सकूत ढाका को फौज की नाकामी करार देते हैं। फॉल ऑफ ढाका के ऊपर एक कमीशन बनाया गया, हमीदुर्रहमान कमीशन। कमीशन तो इस पाकिस्तान में आज भी बन रहे, पहले भी बनते रहे। उस कमीशन का रिजल्ट कभी सामने नहीं आया कि हु आर द पीपल हु वर रिस्पॉन्सिबल। कमीशन की फाइंडिंग क्या थी, ये कमीशन की जो रिपोर्ट थी कहाँ जाके छपी नाज साहब? ये छपी जाके इंडिया में, यहाँ से अलमारियों से तहखानों से कैसे निकल के इंडिया में जाके। अगर आप कमीशन बनाते हैं तो उस कमीशन के ऊपर आप एक्शन लें। ये हमारे वक्त में 88 में जुनेद साहब के टाइम में ओजीर कैंप का भी एक कमीशन बना था, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया कि यहाँ लोगों के अंदर ओजीर कैंप कैसे बनाया गया, कैसे वो फटा, कितना नुकसान हुआ, कितनी जाने ज़ाया होगी, ये असला कहाँ से आता था, कहाँ जाता था। आर्मी बस कंट्रोलिंग इट राइट इन द पब्लिक, सेलर टाउन के साथ ही ओजीरी कैंप है, एक फेमस वाक्य है। तो यहाँ कमीशन की ये एक जो चीज़ है कि कौन जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार कौम को पता है कौन जिम्मेदार है, लेकिन ऑफिशियली अगर कमीशन बनाते हैं तो वो बताएं। उसमें सब बड़े बड़े लोगों ने सियासतदानों ने स्टेटमेंट दी, फौजियों ने स्टेटमेंट दी, जाके बयान दी, कल बंद कराए, तो वो कमीशन रिपोर्ट आनी चाहिए ताकि जो जजा और सजा का एक अमल है उसको जारी रखा जा सके। जो लोग जिम्मेदार हैं उस वक्त पाकिस्तान के तोड़ने में, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने में, पाकिस्तान के सिर्फ इख्तदार की खातिर, ये कुर्सियों की जंग थी, आज भी कुर्सियों की जंग है, आज भी इख्तदार की जंग है। आप देख लें फ्रंटियर में, आप देख लें बलूचिस्तान में हालात क्या है, कराची के हालात देख लें। सम यू हैव टू कम अप टू सेव दिस कंट्री। इस मुल्क को बचाने के लिए एक नौजवान है, नौजवान के हाथ में अभी ताकत नहीं है, सिर्फ वोट है, वोट की ताकत है। और लेकिन वो जो नौजवान है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन दिस कंट्री आर द यंग पीपल, इन्होंने इस मुल्क को बचाना है, आगे ले जाना है। तारीख, आप तारीख को बस करेंगे तो तारीख आप भूल जाएगी, आपका नाम मिट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तारीख अगर आपको ज़िंदा रखना है तो पाकिस्तान के लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। जिंदा कौमें हमेशा तारीखें बनाती हैं, तारीखें ख़त्म नहीं करती। तारीख जो लिखी जा रही है इसमें ना आपका अमल दखल है, ना हमारा अमल दखल है, ना इन लोगों का जो आजकल के कायदीन और बड़े बड़े लीडर हैं। अगर फौज जिम्मेदार थी तो हमीदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट को अवाम के सामने क्यों ना पेश किया गया, इस रिपोर्ट पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? मेरे पास थी, ये बिल्कुल सही बात थी, भुट्टो साहब ने मुझे भेजी थी, भुट्टो साहब मुझे बहुत ट्रस्ट करते थे। अब उसके बाद मेरे ख्याल के मुताबिक भुट्टो साहब ने वापस मांगी थी, मैंने उनको दी थी, लेकिन वो मिसप्लेस वाकई हुई, या भुट्टो साहब से हुई या मुझसे हुई, लेकिन खुदा जानता है कि मैंने उसको कोई सजे कभी नहीं किया। भुट्टो साहब ने जब हमीदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट थी और मेरे पास जो कॉपी थी, वहाँ उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे, तो मुझे भुट्टो साहब ने कहा था कि उनको ये आप दें और उनको कहें कि सारे के वो पढ़ें और उसके बाद वो अपने ख्याल दें कि ये क्या है। तो मैंने वो चीफ जस्टिस को दी और फिर उन्होंने जो ख्याल बताए मैंने जुल्फकार अली भुट्टो को बताए थे।
सियासतदान मशरकी पाकिस्तान में नाकाम हुए तो उन्होंने फौज को भी अपने साथ घसीट लिया। फौजी जवानों ने बेबसी के आलम में भी हालात का मुकाबला किया और आखिरी हुक्म मिलने तक मैदानों में डटे रहे। मेरी यूनिट से 3 यंग ऑफिसर शहीद हुए, 250 से करीब हमारे सूबेदार और जवान शहीद हुए। हाईएस्ट रेशो है दुनिया में, आप कहें पाकिस्तान फौज अब लड़ी है, बड़ी बेजिगरी से लड़े। यंग ऑफिसर्स, 3 यंग ऑफिसर्स कैप्टन्स, एक लेफ्टिनेंट, 2 कैप्टन, दे डाइड फाइटिंग। और गोली उन्होंने शहीद होने से पहले एक ने मुझे कहा कि सर मेरी माँ को बता देना मैंने गोली सीने पे खड़ी। ये बातें आप कैसे कैसे बुला सकते हैं? वहां कब्रें मौजूद हैं हमारे शहीदों की जिनको हमने दफन किया अपने हाथों से, क्या आप बुला सकते हैं? उनका खून आपसे सवाल करेगा कि क्या हमारी कुर्बानी रहेगा कहीं, क्या पाकिस्तान को बचाने वाला कोई नहीं है? वहां कब्रों में वो लोग दफन है जिनके ऊपर कोई निशान नहीं है, उनके फैमिलीज, उनके भाई, बच्चे, अजीज यहां पाकिस्तान में मौजूद है। कैप्टन हमीद संदीला वहां शहीद हुआ, उसके भतीजे का नाम उन्होंने हमीद संदीला रखा, आज फौज में कर्नल है। कैप्टन इज्जत शहीद, एक DIG का बेटा, इस पाकिस्तान में लड़ जान दी। कैप्टन अजमत मलक जिसने मुझे पैगाम दिया मेरी बात को बताना, मेरे सीने पे गोली खाई। आप कैसे बोलेंगे लोगों को, उन हमारे GCU को, जवान को जिन्होंने एक हाथ खड़ा किया मोर्चे के ऊपर, उन्होंने फायर किया, उनके अफसर को भी मारा, उनके जवानों को मारा, उन्होंने आके मोर्चे में आकर उसको शहीद किया। ये आपको कहानियां नहीं मिलती यहाँ के लोगों से, ये तो उनसे मिलेंगे जिन्होंने इस पाकिस्तान में खून दिया। मेरी फैमिली के लोग वहां शहीद, तो ये एक जज्बा था, ये जज्बा नौजवानों में आज भी है, यंग ऑफिसर में आज भी है, और ये उन लोगों का खून सवाल करता रहेगा कि आपने हमूदोरमान कमीशन बनाई जो हजारों लोग वहां दफन है, जिनको मुक्ति बहनों ने मारा वो भी वहां दफन है, फौजी भी वहां दफन है, सिविलियन भी वहां दफन है। आप यकीन करें कि हमारा ये एक रूहानी रिश्ता है, मेरे बच्चों का नाम मैंने अपने जो दोस्त शहीद हुए थे मैंने उनके नाम पर रखा हुआ, इट्स ए वेरी रेयर थिंग, लोगों ने रखा है, कई अफसर रखे अपने दोस्तों के नाम। मुशरफ के बेटे का नाम बिलाल है, कैप्टन बिलाल कमांडो था, SJ था, दिलेर अफसर, आउटस्टैंडिंग अफसर, ही डाइड इन ईस्ट पाकिस्तान। यहां 2 अफसर के नाम जानता हूं जिन्होंने बिलाल उनके अपने बेटों का नाम रखा, एक कर्नल जावेली थी वो कमांडो था, एक परवेज मुशरफ, दोनों के बेटों का नाम बिलाल, कई औरों ने रखा होगा। मैंने अपने बेटों का नाम असद रखा है, इफ्तार रखा है, ये दोनों मेरे दोस्त हैं जो ईस्ट पाकिस्तान, इधर वेस्ट पाकिस्तान में शहीद। ये एक रूहानी जिस मेरा एक रिश्ता है जिसको कोई भी नहीं छीन सकता मुझसे। लेकिन मैं अपने आप से भी सवाल करता हूं, मेरे बच्चे भी मुझसे सवाल करते हैं, मैं लोगों से सवाल करूंगा, खुदा के लिए ये सियासत आपने की, ईस्ट पाकिस्तान टूट गया, 24 साल 25 साल भी पाकिस्तान पूरे ना हो सका, कायदे आजम का, अलामा इकबाल का ख्वाब खत्म कर दिया आप लोगों ने सिर्फ कुर्सियों के लिए, इख्तदार के लिए। पाकिस्तानी फौज के हौसले पस्त ना थे जब उन्हें मशरकी पाकिस्तान में जारी शोरिश और इंतहा पसंदों पर काबू पाने का हुक्म मिला, लेकिन जब उन्हें मुक्ति बानी और भारत के खिलाफ बाकायदा जंग लड़नी पड़ी तो सियासतदान इस मामले को सियासी बसीरत से हल ना कर पाए। ये जो था सियासी फरार था, ये फौजी तो मसला ही नहीं था, ये तो पॉलिटिकल फेलियर था। इट वाज अ पॉलिटिकल फेलियर कि दो पॉलिटिशियन जिनका काम था कि जो जिनको मैंडेट कॉम ने दिया था वो टेबल पर बैठते और टेबल पर बैठकर मुल्क के मसाइल कुछ दो और कुछ लोग की बुनियाद पर हल करते और कोई मिनिमम एक कंसेंसस फार्मूला बना के पाकिस्तान को आगे लेके चलते। मशरकी पाकिस्तान में इस बुनियाद को मजबूत करने की कोशिश नहीं की गई जिस पर अलहदा वतन हासिल किया, यानी दो कौमी नजरिया, मुल्क टूट गया। बहुत बड़ा धचका था। मेरे वालिद साहब पंजाब के थे, सियालकोट के थे, मेरी माँ बंगाल की थी, मेरा तो मुल्क टूटा है, बाकी तो आ गए इधर वापस, गए प्रिजनर वॉर कैंप में आ गए, मेरे तो आधा मुल्क मेरे लिए चला गया, ठीक है ना। तो मेरे लिए तो मैं समझता हूँ कि आप समझ नहीं सकते कि किस तरह की कैटास्ट्रोफी। आज भी मैं जब ढाका जाता हूँ तो मैं मेरे आंखों में आंसू होता है कि जब मैं पासपोर्ट निकालता हूँ उस शहर में, जब मेरे रिश्तेदारों के साथ मैं घूमता फिरता था, मेरा मुल्क था,
मुझे जब जरूरत होती थी मैं पिंडी में चढ़ता था, तब एयरक्राफ्ट में ढाई तीन घंटे में मैं वहाँ पहुँच जाता था अब पासपोर्ट के बगैर। अब वहाँ जाता हूँ पासपोर्ट वीज़ा ये वो, तो नेचुरली आपकी फीलिंग क्या होती है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जानी था जो दोनों तरफ हुआ, लाखों इंसानों की जान गई, मुल्क की इज्जत और फौज का वकार भी मुतासिर हुआ। क्योंकि मैंने तारीख पाकिस्तान में बतौर तालिब इल्म काम किया था और इसीलिए जो पाकिस्तान का जो वजूद था वो मेरे लिए मुकद्दस था, तो मुझे ऐसे लगा जैसे कोई टांगे काट रहा हो। होना तो ये चाहिए था कि सकूते ढाका से सबक लिया जाता, लेकिन हम बहैसियत कौम आज भी उसी तारीख को दोहरा रहे हैं। बलूचिस्तान, सिंध और कबायली इलाकों में सर उठाने वाली कौम परस तहरीकें जज्बा हुबुल वतनी और यकजहती की कमी की निशानदेही करती हैं।